बीवी तो घर का काम भी नहीं कर सकती, आपको पता है, वो भी फर्ज नहीं है उसके ऊपर। फिर बीवी के तमाम तरह हकूक के लिए, अगर बीवियों के खाली हकूक ही पर चल जाए ना औरतों को, इस्लाम में क्या है, तो मैं बता दूं गैर मुस्लिम औरतें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं। बीवी तो घर का काम भी नहीं कर सकती, आपको पता है, वो भी फर्ज नहीं है उसके ऊपर। इतना इतना मामला इस्लाम ने लिबर्टी दे दिया औरत को कि एंड द मोस्ट एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ ऑल मुस्लिम नॉलेज फॉर वुमेन Understand the variety of सारी जिंदगी spectrum. सारी जिंदगी हम हमेशा पढ़ते आए, देखते आए, सुनते आए अपनी सराउंडिंग से कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को इस्लाम तरजीह देता है या हमारा। और मुझे रिसेंटली आके कुछ स्कॉलर से मुलाकात हुई और जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी देखी तो हमें तब पता चला कि वो सबके हकूक की तो बात करता है लेकिन जो हमारे यहाँ एक पूरे कुंबे में एक शख्स होता है वो चीज नहीं। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने की प्रॉपर आजादी हासिल है जिस पर Unfortunately, बदकिस्मती से कोई बात नहीं करता। इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को तो रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करता, नबी अलैहिस्सलाम जॉइंट फैमिली इज टू मेन कमिंग इन अ सेम बिल्डिंग, नॉट टू वुमेन कमिंग इन द सेम बिल्डिंग। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बेसिक बुनियाद जो है वो रिसोर्स जो एलोकेटर्स होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, ये जो HUF का कॉन्सेप्ट हमारे इनकम टैक्स में भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, बेसिकली लोकलाइज्ड इंडियन कल्चर है जॉइंट फैमिली का। इस्लाम ने कभी भी दो आदमियों को इकट्ठा, दो भाइयों को इकट्ठा रहने के लिए कोई मिसाल ऐसी नहीं है। हराम नहीं है, ना ही मैं मुफ्ती हूँ जो हराम हलाल बताऊंगा, मगर जॉइंट फैमिली इटसेल्फ इज अ हिंड्रेंस टू मेनी राइट्स व्हिच कैन बी ओवरलैप्ड हियर एंड देयर, मिक्सचर बन सकता है। उसके फायदे बहुत हैं ये मैं बात जानता हूँ, साइकोलॉजी के स्टूडेंट के तरह मुझे पता है कि बच्चे को बहुत ऑक्सीटोसिन मिलता है, ठीक है, मगर वही बात है, 5-7 मफाद परस्त इकट्ठे हो जाएं तो ज्यादा बड़ा नुकसान है या 2 मफाद परस्त। ठीक है, ये जो औरत मार्च की हमने पहले बात की थी उसमें भी कोई मफाद परस्ती दिखाई दे रही है कहीं पे, कोई एजेंडा अक्सर बड़ी बात हुई टीवी शोज पर, बड़ी बात हुई है तो यूरोप का या अमेरिका की साजिश है, एजेंडा है वो हमारे माशरे में अपनी गड़े गाड़े हैं इस पर आप। मैं तो डायरेक्ट गया भी था औरत मार्च में, हम शरीक हुए थे, जाकर थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश की हमने की है क्या, प्ले कार्ड्स देखे उनके, देखें वहाँ जाके एहसास ही हुआ कि एक्चुअली ये वुमेन राइट्स की शायद मूवमेंट नहीं है, ये इस चीज़ की मूवमेंट है कि चूंकि मेन ये कर रहे हैं तो हमने भी करना है। ये एक्चुअली मेन के साथ एक कंपटीशन की मुझे मूवमेंट नज़र आई, हालांकि फेमिनिज्म क्या है, औरत को औरत का होना सेलिब्रेट करना, ये फेमिनिज्म है। ये तो एक एक्ट्रेस ने कहा अभी रिसेंटली, उनका क्लिप बड़ा मशहूर हुआ, ये फेमिनिज्म नहीं है कि मैन इस लेवल पे है तो मैं भी इस लेवल पे आ जाऊँ। मिसाल के तौर पे अगर मेल्स रात को 11-11 बजे 12-12 बजे सिगरेट पी रहे हैं, खोखों पे बैठे हुए, तो क्या फेमिनिज्म ये है कि आप ये मूवमेंट चलाएं कि मैंने भी जाना है? अगर मेल्स को गलत काम कर रहे हैं तो फेमिनिज्म ये है कि मैंने भी ये गलत काम करना है। मेल अगर 3-3 गर्लफ्रेंड रख रहा है तो मैंने भी रखने हैं 3-3 बॉयफ्रेंड। मुझे तो वहां जाके ये एहसास हुआ कि मूवमेंट इस चीज की थी कि जी बस जो वो कर रहा है वो मैंने करना है, सवाल मुझसे कोई जो बेसिकली फ्रीडम के नाम पे कर रहा है, औरत को लगा कि मुझे भी ये फ्रीडम चाहिए जी, तो मैं मेरा औरत मार्च फिर कामयाब हो जाएगा। मुझे आई थिंक अगर उन बच्चियों की जैसा सिगरेट पे नहीं एक तस्वीर बनाते कैंसर की मुंह के, इस तरीके से तेजाब वाली औरत की मुंह की तस्वीर लगाते ना, छोटी बच्चियों को दिखाते कि ये हो कि एक दौर में बच्ची थी, तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं, तब लोगों को एटलीस्ट इमोशनल अपील तो आती है कि यार इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि हम नहीं कर रहे, वाकई में हम ज्यादती तो कर रहे हैं ना, कौन नहीं कर रहा औरतों पर ज्यादती, मुझे समझ नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ अ मौलवी थिंक्स कि नहीं नहीं औरतों के हकूक मिल रहे हैं, दैट मैन इज ऑल्सो अ लायर। मगर बात वही है, अगर आपने मकसद अचीव करना हो ना तो छोटे से खोखे को ही पता होता है मैंने कौन सा सेल्समैन रखना है, इसकी बात करने की तरीका कार क्या है, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। दिस इज हाउ डम दिस होल मूवमेंट बिकेम बिकॉज दे गॉट टू सफर फ्रॉम वे मोर ऑफ अ रैथ जो पहले था उससे भी ज्यादा मसला हो गया। और ये जो सारे क्रिटिक्स बाद में बैठते हैं और सारा रिव्यू जो हम करते हैं किसी भी ट्रेलर को देख के, क्योंकि फेवरेट काम है ये तो हमारा, जी हाँ वो तो टीआरपी के लिए करते हैं ना, तो उसमें जो ये बात बहुत बार सुनी है, मेरे भी शो में एक बार हो चली और इसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत, ये जो मैंने एजेंडा वाली बात अभी आपसे मैंने पूछी कि ये यहूदी एजेंडा है, ये साजिश है, ये हम नहीं है, इस पर आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या ये वाकई ही एजेंडा है? वेल आई नो कि ये वजह क्यों बना रहे हैं लोग के यहूदी एजेंडा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ दीज वीमेन हु केम आउट, ये नेचुरल रिएक्शन आना था बिकॉज दे प्रोजेक्टेड दोज वैल्यू। वेल मैं आपको आसान से मिसाल देता हूँ, यूरोप में मुसलमान औरत की निशानी क्या है, बाई प्राइड वो क्या निशानी है, यूरोप में मुसलमान औरत की निशानी है यूरोप में, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी जो कहते हैं ना यूरोप वाली आजादी चाहिए, यूरोप में मुसलमान औरत को स्कार्फ पहनना उसकी प्राइड की निशानी है, क्या मैं मुस्लिम, मुझे कोई इसमें
मुझे तो बताना चाहिए लोगों को. शी कम्स आउट विद अ स्कार्फ फॉर अ रीजन टू मेक अ स्टेटमेंट. बिल्कुल इस तरीके से अमेरिका में भी ऐसे ही. मेरी सारी उम्र गुजरेगी उन मुल्कों में, इसलिए मुझे पता है ये वाइट पाकिस्तान है जहाँ पे मुसलमान उतनी पहचान सकते पहचान ही नहीं सकते कि मुसलमान है कि नहीं. कई तो पूछना पड़ता है यू मुस्लिम, बिकॉज अब क्या करें उससे, वो ये ऑफेंसिव सवाल बन जाता है उनके लिए, क्या मतलब है आपका. तो आई एम जस्ट सेइंग यूरोप में मुझे कभी भी कनाडा में कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ यू आर मुस्लिम इज ऑल. बल्कि अच्छा, मतलब हमारे उठने बैठने से बातचीत करने से हमारा जो कल्चर है उसमें से लगता है कि दैट वी आर लिविंग इन एन इस्लामिक कंट्री. हम वो चीजें प्रैक्टिस एक्चुअली में कर रहे हैं या सारा हिंदुइज्म को फॉलो कर लिया हुआ है. और अभी तो हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं एक्चुअली. मॉडर्न का लफ्ज जो है ना ये 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 मिसकैलकुलेटेड लफ्ज है. अच्छा, इसको हजफ कर लेते हैं, वापस ले लूं? नहीं, ये आपका कसूर नहीं है. मैं भी इसको मॉडर्न ही कहता हूं. ये हमारी नहीं सो कॉल्ड वाना बी कहते हैं. मैं इसको अक्सर वाना बी कहता हूं. वाना बी कल्चर है. दैट्स एग्जैक्टली अ वाना बी व्हाट. सी मैं ना एक एक एनेक्डोटल स्टडी देनी तो नहीं चाहिए, वैसे मैं आपको बता दूं. ये कई दफा होता है कि आई नो अ फैमिली हु इज वेरी एंटी व्हाट्स द वर्ड conservatives. They're not liberals, they're just anti-conservatives. कि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मुकय्यद कर दिया पूरा का पूरा, इंसान को सांस आना बंद हो गई है. So I'm not a religious person. So मैं तो क्रिसमस मनाऊंगी. अच्छा. That's exactly what the family is actually making a statement. Okay. I mean, you know, she's one of my clients. So she's like, मैं तो जाने क्रिसमस मनाऊंगी क्योंकि मुझे मौलवियों से ये religious लोगों से नफरत है. और मैं उसको फिर यही बताता रहेगा कि क्रिसमस असल में religious holiday है. वो किसी और रिलीजन का है. वो है तो रिलीजन. अगर तुमने रिलीजन के खिलाफ करना है तो कोई और हॉलीडे पकड़ो, को हालोवीन मनाओ. कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं. तुम जान के पाकिस्तान में क्रिसमस मनाना चाह रही हो बोलियों के खिलाफ, तो तुम कोई दीनी हरबा क्यों तुमने इजाद किया. यू बिकमिंग अ रिलीजियस पर्सन ऑल ऑफ अ सडन. ईसा की सेलिब्रेशन कर रही हो तो फिर चलो फिर मिला देना, अभी भी मनवाना. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज द वर्ड्स दैट वर चोजन बाय आवर फोर फादर्स हियर इन पाकिस्तान, दे वर यू नो कैजुअली चोजन. उसकी साइकोलॉजी गलत बनी. मॉडर्न का लफ्ज ही गलत हो गया. हालांकि मॉडर्न तो साइंटिस्ट होता है, मॉडर्न तो एक मौलवी होता है. वाह, इससे ज्यादा मॉडर्न क्या है जो 200 साल बाद की बातें कर रहा है, 2000 साल बाद की बातें कर रहा है. असल में ना द मोस्ट एडवांस्ड पर्सन इज द वन हु इज टॉकिंग अबाउट द फादरस्ट पॉइंट इन द फ्यूचर. द फादरस्ट पॉइंट इन द फ्यूचर इज एनी रिलीजियस मैन, इवन इज इज अ क्रिश्चियन और अ ज्यू और अ मुस्लिम, कि भाई मैं आपको 10,000 साल बाद की बात बता रहा हूँ. आई हैव द साइंस फॉर इट. अब न्यूटन पता ही कहता है, न्यूटन कहता है मैं आपको 500-700 साल की बात बता रहा हूँ. इलॉन मस्क जो कहता है मैं आपको अगले 100 साल की बात बता रहा हूँ. लिटरली ही सेज द 100 ईयर प्लान. So this is why we call them the advanced people. अब एक बंदा जो कहता है नहीं मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ बस, and that's all I want to talk about. So I'm just saying that you're too backward, buddy. हमें एडवांस लोग मिल गए हैं, बैकवर्ड तू असल में. लेकिन यहाँ एक ऐड कर दूं मैं कि कुछ ना हमें अपना कसूर मानना चाहिए दीनी तबके को. मैंने देखा है कि सम ऑफ देम रिलीजियस खवातीन जो निकाब में होती ना, वो उनको जो नहीं पर्दा करती बहुत कराहत की निगाह से, बहुत जजमेंटल निगाहों से देखती हैं और इंसान भी नहीं समझती. सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम. इसी तरह सेम जो हमारा मौलवी तबका है वो भी जज बहुत जल्दी करता है, ड्रेसिंग की बेसिस पे, कोई गाना सुन रहा है उसकी बेसिस पे. तो इसमें हमने नुकसान तो किया है और ये तबका चिड़ खाता है बेसिकली. जिनकी आप बात करें जो मॉडर्न कहते हैं अपने आप, ये चिड़ में आके ये चीज़ें करते हैं. मैंने ये देखा है. असल में मोहब्बत दी जाए, अच्छे से बात कीजिए. मैं DHA जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्लेसेस जाता हूँ जहाँ शायद आम रिलीजियस बंदे की एंट्री नहीं है. यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, जब वो बात सुनते हैं कि यार ये थोड़ा इंग्लिश भी बोल रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली एक मरूबियत तो है ना, बिल्कुल, कि बात जरा बैलेंस कर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बात.